हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स हिमशिका फ्रॉम आई स्पीक ट्रेवल। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि काजीरंगा नेशनल पार्क जाने से पहले 15 ऐसी कौन सी टिप्स और इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपको पता होना ही चाहिए। गाइस, काजीरंगा विजिट करने के बाद मुझे एक बात तो ज़रूर क्लियर हो गई कि यदि काजीरंगा गुवाहाटी से 250 किलोमीटर दूर है और जोरहट से 100 किलोमीटर दूर है तो गुवाहाटी का रूट क्यों चूज़ करना चाहिए। गाइज, यदि आप अपना नॉर्थ ईस्ट का या असम मेघालय का या असम का टूर प्लान कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। ध्यान रहे, यदि आप मेघालय टूर भी प्लान कर रहे हैं तो फिर काजीरंगा को अवॉइड करना बेटर रहेगा, क्योंकि मेघालय अपने आप में इतना खूबसूरत है कि आप मेघालय के साथ जस्टिस कर लें, ये ही काफ़ी है। काजीरंगा नेशनल पार्क इंडिया के असम स्टेट में सिचुएटेड है। गाइस, सबसे पहली बात आती है कि काजीरंगा नेशनल पार्क में ऐसी क्या खास बात है कि हम अपने लोकल एरिया के नेशनल पार्क को छोड़कर इतनी दूर असम जाएं। गाइस, काजीरंगा नेशनल पार्क एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहां एक सींग का राइनोसेरस पाया जाता है, और इस राइनोसेरस को जब आप एलिफेंट राइड करते हुए बहुत नज़दीक से देखते हो तो उस एक्सपीरियंस का कोई कंपेरिजन नहीं होता। अब सबसे पहले हम काजीरंगा नेशनल पार्क के एरिया को जोन वाइज जान लेते हैं, क्योंकि ये जानने के बाद ही आप अपना टूर प्लान डिसाइड कर सकते हो। गाइस, काजीरंगा नेशनल पार्क 4 जोन्स में बटा हुआ है। मिहिमुख इन सेंट्रल जोन एट कोहरा, बागोरी इन वेस्टर्न जोन एट बागोरी, अग्रातोली इन ईस्टर्न जोन एट अग्रातोली, गोरा खाती इन बूरा पहाड़ जोन एट गोरा खाती। गाइस, काजीरंगा नेशनल पार्क का सबसे फोकस्ड एडवेंचर इसकी जंगल सफारी है। एंड यस, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, एलिफेंट सफारी एंड जीप सफारी। दोनों सफारी राइड्स का अपना अपना मज़ा है, बस एक फ़र्क है कि एलिफेंट ऑफ रोड भी जा सकता है लेकिन जीप को रोड से ही फॉलो करनी पड़ेगी। अब आप ये मत सोचिएगा कि आप काजीरंगा का टूर रैंडमली एनी टाइम प्लान कर सकते हैं और ये सब आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। गाइस, अब बात कर लेते हैं बेस्ट मंथ्स टू विजिट काजीरंगा नेशनल पार्क। गाइस, काजीरंगा नेशनल पार्क टूरिस्ट के लिए 1 नवंबर से लेकर 30 अप्रैल तक ओपन होता है, क्योंकि विंटर्स में कोई बारिश नहीं होती और आप दूर से दूर तक का बैकग्राउंड क्लियरली देख सकते हैं। मतलब कोई एनिमल लाइक टाइगर, राइनो, एलिफेंट यदि दूर भी है तो भी वो आपको क्लियरली दिख जाएगा। इसके अलावा समर सीजन में क्लाइमेट बहुत विंडी होता है और मानसून सीजन में काजीरंगा नेशनल पार्क बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र में हर साल बाढ़ आ जाती है। अब बात करते हैं विजिटिंग आवर्स की। गाइस, काजीरंगा नेशनल पार्क के विजिटिंग आवर्स सुबह 5:30 से टिल सनसेट तक रहते हैं, लेकिन यदि आप बात करते हैं जंगल सफारी की तो इसके टाइमिंग्स फिक्स हैं। एलिफेंट सफारी के लिए 5:30 AM टू 7:30 AM फिक्स होते हैं, जिसमें दो बैच होते हैं। फर्स्ट बैच इज 5:30 AM टू 6:30 AM एंड सेकंड बैच इज 6:30 AM टू 7:30 AM। एलिफेंट सफारी 1 आवर राइड होती है और ये सिर्फ मॉर्निंग आवर्स में ही अवेलेबल होती है। अब आती है जीप सफारी। ये आपको मॉर्निंग आवर्स में 7 AM टू 10 AM में भी मिलेगी और आफ्टरनून आवर्स में 2 PM टू 4 PM भी मिल जाएगी। इस तरह से आप दोनों राइड्स का मज़ा ले सकते हैं। एलिफेंट सफारी मॉर्निंग में कर सकते हैं और जीप सफारी इवनिंग में कर सकते हैं। गाइस, अब मैं आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने जा रही हूँ कि यदि आपको एलिफेंट सफारी करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये काजीरंगा नेशनल पार्क के किस जोन में मिलेगी। गाइस, एलिफेंट सफारी काजीरंगा नेशनल पार्क के ओनली 2 जोन्स में अवेलेबल होती है। नंबर 1 सेंट्रल जोन एट कोहरा, नंबर 2 वेस्टर्न जोन एट बागोरी। लेकिन जीप सफारी आपको ऑल 4 जोन्स में मिलेगी, क्योंकि एलिफेंट सफारी ज़्यादा पॉपुलर है इसलिए इसकी प्री बुकिंग 100% रिकमेंडेड है, और वो भी 1 महीना पहले। ऑन द अदर हैंड, जीप सफारी आपको 1 दिन पहले बुक करने पर भी मिल सकती है। एलिफेंट सफारी कंपैरेटिवली जीप सफारी के इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि एलिफेंट ऑफ रोड भी चला जाता है और आप राइनो को बहुत बहुत नज़दीक से देख पाते हो। गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, बुक योर एलिफेंट सफारी थ्रू योर होटल इज रिकमेंडेड फॉर कन्फर्मेशन एंड फॉर सेफर साइड।
क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको बुकिंग नहीं मिलती। ऐसी कंडीशन में होटल बुक करने के बाद ये होटल की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो आपकी सफारी बुकिंग कंफर्म कर दे। गाइज अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट की बात कर लेते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचने के लिए आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए और इसके लिए आप प्लान कैसे करोगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि आप बाई एयर जाते हो। गाइज काजीरंगा नेशनल पार्क के ईस्ट में जोरहट है और वेस्ट में गुवाहाटी। काजीरंगा नेशनल पार्क से गुवाहाटी एयरपोर्ट 217 किलोमीटर और जोरहट एयरपोर्ट 97 किलोमीटर है। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप जोरहट एयरपोर्ट ही चूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि यदि आप जोरहट की फ्लाइट बुक करते हो तो वहाँ आपको मिनिमम वन स्टॉप फ्लाइट दिखाता है जिसका मिनिमम वेटिंग टाइम 6 आवर्स होता है। ये एक स्टॉप से 2 स्टॉप भी हो सकता है और 6 आवर्स से 10 से 12 घंटे भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप गुवाहाटी की फ़्लाइट बुक करें और वहाँ से प्राइवेट या शेयर्ड कैब बुक करके रोड ट्रिप एंजॉय करते हुए काजीरंगा पहुँचें। 4 से 5 घंटे की जर्नी के बाद जब आप गुवाहाटी से रोड के थ्रू काजीरंगा पहुँच रहे होंगे तो सबसे पहले आपको बूरा पहाड़ जोन मिलेगा जहाँ आप जीप सफारी कर सकते हैं। उसके बाद आपको बागोरी जोन मिलेगा जहाँ आप एलिफेंट एंड जीप सफारी दोनों कर सकते हैं। और इसके बाद आप पहुंच जाएंगे सेंट्रल जोन जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क का मेन जोन है। यहां आपको ऑर्किड एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क में कल्चरल प्रोग्राम्स भी मिल जाते हैं और इनकी टाइमिंग 6:30 PM टू 7:30 PM और टिकट 100 रुपी पर पर्सन रहती है। अब यदि आप बाई ट्रेन जाना चाहते हैं तो फरकेटिंग जंक्शन इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इन द गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ आसाम। और फरकेटिंग जंक्शन काजीरंगा नेशनल पार्क से सिर्फ 75 किलोमीटर डिस्टेंस पर है और आप मैक्सिमम 2 आवर्स में काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंच जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बाई रोड जाना चाहते हैं तो प्राइवेट बसेस का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है जो 300 रुपये पर पर्सन लेती हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर में हर साल फ्लड आती है और उस फ्लड के आने का अंदेशा इन जानवरों को पहले से ही हो जाता है और ये कर्बी एंगलोंग हिल्स पर चले जाते हैं। गाइस अब बात कर लेते हैं जंगल सफारी की प्राइसिंग की। यदि आप एलिफेंट सफारी करते हो तो उसका प्राइस है 950 रुपये पर पर्सन। जीप सफारी करते हो तो जोन वाइज प्राइस फिक्स्ड है। सेंट्रल जोन के लिए 1550, वेस्टर्न जोन के लिए 1750, ईस्टर्न जोन के लिए 2050। इसके अलावा जो टैक्सेस लगते हैं या जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो अलग है। जैसे जब आप सफारी के लिए जाते हो तो NH37 पर टोल पड़ते हैं और इस टोल पर रोड टैक्स पर व्हीकल 300 रुपीज पड़ता है। गार्ड का फी पर व्हीकल 100 रुपये। पर पर्सन एंट्री टिकट इंडियन के लिए 100 रुपीज, फॉरनर के लिए 650 रुपीज। यदि आपके पास मोबाइल या स्मार्टफोन है तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा, लेकिन यदि आपके पास स्टिल कैमरा है तो इंडियन के लिए 100 रुपीज, फॉरनर के लिए 200 रुपीज। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एलिफेंट सफारी 1 आवर राइड होती है और जीप सफारी 2 से 3 घंटे का राइड होती है। सो गाइज अब हमने ब्रह्मपुत्र नदी देख ली है यहाँ से, लेकिन अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, अभी ट्रिप ओवर नहीं हुआ है। और अब बज रहे हैं 9 और अब देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड। द बिगिनिंग स्पॉट फॉर सेंट्रल जोन इज एट मिहिमुख राइडिंग टावर फ्रॉम वेयर ट्रेवलर्स कैन स्टार्ट देयर एडवेंचरस जर्नी इन द काजीरंगा फॉरेस्ट। जंगल सफारी स्टार्ट्स फ्रॉम बागोरी हेडक्वार्टर एंड टेक्स ट्रेवलर्स टू द वेस्टर्न रीजन ऑफ द पार्क। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस बेल आइकन के बटन को दबाना बेहद जरूरी है, इससे आपको मेरे चैनल की हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। गाइज अब बारी आ जाती है, जिस तरह से मैंने आपको नाथुला पास की वीडियो में ढेर सारी टिप्स दी थी और वो लोगों को बहुत पसंद आई, सेम एज आज मैं आपको काजीरंगा के लिए टिप्स देने वाली हूँ और इनको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। टिप नंबर 1, यदि आप गाइड हायर कर रहे हो तो वो आपकी लैंग्वेज का होना चाहिए। टिप नंबर 2, यू मस्ट कंफर्म वेदर बिफोर विजिटिंग काजीरंगा नेशनल पार्क ड्यू टू फ्लड एंड अदर रीजंस थ्रू एनी लोकल गाइड। टिप नंबर 3, प्री बुकिंग इज मस्ट फॉर दिसंबर एंड जनवरी ड्यू टू पीक सीजन ड्यू टू विंटर वेकेशन एंड क्रिसमस एंड न्यू ईयर। टिप नंबर 4, क्लोदिंग। इफ यू चूज मॉर्निंग एंड इवनिंग सफारीज देन यू मस्ट हैव एट लीस्ट अ जैकेट एंड अ कैप ऑल्सो। टिप नंबर 5, काजीरंगा कैन बी ओनली एंड ओनली वन नाइट एंड वन डे टूर। वन कैन रीच
काजीरंगा enjoying road trip from Guwahati airport up to evening and can enjoy cultural program in evening. Next day early morning, enjoy elephant safari and jeep safari in afternoon and then back to Guwahati tour ends. Tip number 6. Always prefer either groups of elephant safari or groups of jeep safari and it will reduce your cost if you are solo or as a couple. Tip number 7. Elephant apple is restricted to take it for your home or outside the premises. Tip number 8. No private vehicle is allowed inside the park. Tip number 9. Permit is must. Only ID. No photos required. Tip number 10. If you want to book your safari on your own, counter opens at 7 PM at Central Range is operated by government. One day prior booking is must. It will save your time. Tip number 11. You can book Jeep Safari from any of 4 zones. But for elephant safari booking, you must go to central and western zone. Tip number 12. If you choose elephant safari within western zone, you have to take permits from Bagori office. If you choose elephant safari within central zone, you have to take permits from Kohra center. Tip number 13. The jeep fee is based on distance to be traveled. It depends on which zone you will visit and the hotel you are staying in. And the last but not least. Guys, यदि आपकी elephant safari booking confirm हो, तो तभी आप काजीरंगा का tour plan करिएगा. Otherwise, अपनी trip से काजीरंगा का tour अभी delete कर दो. Guys, उम्मीद है आपको ये video थोड़ी सी तो help की होगी. So like it, share it, comment it. Do subscribe I Speak Travel with bell icon button for all notifications and keep watching more videos.